All right, we're just shifting focus to other breaking updates. We are picking up, according to the recent report of the National Crimes Record Bureau, Rajasthan, the state, has now recorded the highest number of rape cases. The state recorded over 6,300 rape cases, which is 19% higher than in 2020. But instead of taking onus, there have been shocking remarks that is coming in from Chief Minister Ashok Gehlot. He has called these 56% of rape cases registered in the state as fake. Now, this is the kind of comment that is coming in from the state chief minister. What is now being said in a counter by the NCW, that is the National Commission for Women, President Rekha Sharma, who has hit out at the Rajasthan chief minister. The women's panel chief has now slammed the sexist mindset of the chief minister and has blamed it for the cause of higher rape cases being reported against women in the state of Rajasthan. So this is a shocking statement, a first that came in from the Chief Minister Ashok Gehlot himself, because there has been a huge spike that has been reported in the last 2 years, especially when it comes to crimes against women that are being reported. But there are anyway fewer cases that actually go reported to the police. But when it comes to the investigation carry out, will the victims, do the victims even get justice? Bhavar, ek tarike se agar dekha jaye to ye kis tarike ka doglapan hai? Agar aap bolte ho ki aapki state safe hai, to fir auraton ke khilaf itne sare crimes kyun report kiye jate hain? और अगर रिपोर्ट भी किए जाए तो कितनों को इंसाफ मिल पाता है? जी देखिए, इंसाफ की जहां तक बात है, राजस्थान जो है इन सब मामलों में पहले पायदान पर आ गया है। लगातार मुख्यमंत्री ये बात कहते रहते हैं कि केस रजिस्टर्ड होते हैं इसलिए ऐसा होता है, जबकि केस तो पहले भी रजिस्टर्ड होते थे, ऐसा नहीं कि पहले केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह रहे थे कि 56% केस झूठे होते हैं, महिला अपराध बढ़े नहीं है, ये सिर्फ एनसीआरबी के आंकड़े हैं, तो उसी वक्त आपको बताऊं कि महिला के पैर काट करके कड़े निकालने का घटनाक्रम बूंदी में घटित हुआ था। तो बहुत ज्यादा फर्क उस समय में नहीं था, मुश्किल से 10-15 मिनट का ही फर्क रहा होगा जी। जहां 17 बलात्कार प्रतिदिन जो हो रहे हैं प्रदेश में, वो आंकड़ा भी क्या मुख्यमंत्री को छूट लगता है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी ये बात कही थी कि पॉक्सो एक्ट आने के बाद जो बच्चियों के साथ रेप होते हैं, उसके बाद उनकी हत्याएं पॉक्सो एक्ट आने के बाद ज्यादा हो रही हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें डर है जो नए विकासशील जो कानून होते हैं, जो नए कानून आते हैं, क्या उनका वो विरोध करते हैं? माइंडसेट के तमाम सवाल उठा रही है बीजेपी। भवर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये किसी तरीके का प्राइस ट्रॉफी तो है नहीं कि नंबर वन हुए हैं रेप केसेस में तो इसी बात पे खुशी मनाई जाए। बट व्हेन इट कम्स टू द बीजेपी, दे हैव आल्सो हिट आउट एट द गहलोत सरकार एंड इट्स टर्म्ड इट एज कांग्रेसेस मेंटालिटी। लिसन इट, विक्टिम्स जो हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ खड़े होने के बदले, उनके मनोबल को बढ़ाने के बदले, अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देगा कि 56% लड़कियां झूठी है और उनको मैं दंडित करूंगा, तो क्या महिलाएं जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा पाएंगी? क्या महिलाएं सशक्त महसूस करेगी राजस्थान? मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि इस प्रकार के बयान से अशोक गहलोत जी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की माइंडसेट है उसे दर्शाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री का आज का बयान, उस पर विपक्ष को आरोपित करना, ये और ज्यादा हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि महिला अपराधों पर, महिलाओं की सुरक्षा न कर पाने पर एक भी दिन कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजस्थान की सुचिता के लिए, राजनीति के लिए ये उचित होगा कि वो इस जुर्म में अपने पद से त्याग पत्र दे दें। और दूसरे राज्यों में तो नहीं होता ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप और सबसे ज्यादा दंगे झारखंड में। कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों होते, या कांग्रेस समर्थित शासित राज्यों में क्यों होते? इन लोगों को केवल पैसा कमाना है मैडम, और कुछ नहीं करना, जनता से कोई मतलब नहीं। भवर, भाजपा के जितने लीडर्स हैं वो सवाल तो उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से हमेशा सवालिया निशान बना रहता है राजस्थान के लिए, लेकिन महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे पाएंगी अगर इस तरीके के केसेस हैं, और उसके जो सरकार के जो लीडर है वो उसे गंभीरता से ना ले तो? देखिए, लीडर कितने गंभीर हैं ये तो बयानों से साफ हो ही जाता है, क्योंकि जो शांति धारीवाल मंत्री भी हैं कांग्रेस सरकार में, उन्होंने तो भरे सदन के पटल पर यह बात कही थी कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप ज्यादा होते हैं। लेकिन आप देखिए कि आलाकमान ने उनके कोई कार्रवाई के खिलाफ नहीं,
कि वो आज भी मंत्री उसी पद पर हैं, जबकि एक सदन के अंदर इस तरह की बात करना जहां पूरा प्रदेश शर्मिंदा हो जाता है इस बात से, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर उनकी हिमाकत हिम्मत और बढ़ती है और एक लापरवाही बढ़ जाती है महिला हिंसा को रोकने के प्रति। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पॉक्सो एक्ट पर सवाल खड़े किए थे वो बयान भी सबको याद है, और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं के परिजन और उनके रिश्तेदार इनके साथ अपराध ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक उदासीनता है, एक गैर जिम्मेदाराना बयान इसको कहा जा सकता है जो कि मुख्यमंत्री ने दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में उन्हें महिलाओं पर रियलाइजेशन भी होनी चाहिए ना कि किस तरीके का बयान दिया है। आप एक स्टेट के हेड है और आपके ऊपर एक सर्टन रिस्पांसिबिलिटी है, स्पेशली टू योर ओन पीपल एंड द राइजिंग क्राइम्स दैट आर बीइंग रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑफ अगेंस्ट वुमेन अगेन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। भवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के।